नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान उपचुनाव को लेकर आज तीन विधानसभा सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए। कांग्रेस के प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों के बाद जनसभाएं आयोजित की गई, जिनको मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत आज सुजानगढ़, गंगापुर और राजसमंद पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा रायपुर विधानसभा सीट पर चार उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। चार प्रमुख दावेदार हैं और ये चतुष्कोणीय चुनाव यहां पर बन चुका है। यहां पर भाजपा के रतनलाल जाट ने, कांग्रेस की गायत्री देवी त्रिवेदी ने, भाजपा से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया ने और आरएलपी के उम्मीदवार बद्रीलाल जाट ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान उपचुनाव को लेकर चौसर बिछ चुकी है। सुजानगढ़, सहाड़ा व राजसमंद विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। सुबह के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा तीनों ही विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की चुनावी सभाओं में पहुंचे। बात करें सहाड़ा रायपुर विधानसभा सीट की, इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार को जिताना प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस सीट पर सतीश पूनिया को मजबूत करने के लिए भूमिका निभाएगी अथवा अंदर खाने अपने घोड़े दौड़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी के प्रत्याशियों सहित भाजपा से बागी होकर एलएलपी ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। 30 मार्च को सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद भाजपा उम्मीदवार डॉ. रतनलाल जाट नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक डॉ. बालूराम चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद गायत्री देवी त्रिवेदी नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पहुंची। गायत्री देवी के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, मंडल विधायक रामलाल जाट, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, शंकरलाल जाट सहित कई नेता मौजूद थे। सत्ता की ताकत नामांकन के दौरान देखने को मिली। जब भाजपा प्रत्याशी डॉ. रतनलाल जाट नामांकन के लिए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, तब उनके साथ उनके भाई वे सहाड़ा रायपुर के पूर्व विधायक डॉ. बीआर चौधरी भी उनके साथ एसडीएम कार्यालय में जा रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एसडीएम के सामने 30 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी डॉक्टर बी आर चौधरी को अंदर जाने से रोक रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं नामांकन की। गायत्री देवी त्रिवेदी के नामांकन के बाद आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। गंगापुर कस्बे में दिन भर लोगों की आवाजाही रही, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। पुलिस महकमे के जिले के आला अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारी पल पल के अपडेट लेने के साथ खुद जायजा लेते दिखे। इसी बीच जिला कलेक्टर ने भी गंगापुर का दौरा किया। निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया की सभा में भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। बाद में रैली निकाली गई। रैली में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लादूलाल पीतलिया के समर्थक रैली निकाल रहे हैं। युवाओं के हाथों में बजरंगी के चित्र व श्री राम का नाम लिखे झंडे थे। साथ ही उत्साही युवा जय श्री राम के उद्घोष के साथ रैली में चल रहे थे। अपने पुत्र विजय पीतलिया और विजय के मित्र राजवीर सिंह के बीच लादूलाल पीतलिया हाथ जोड़कर जन अभिवादन करते हुए दिखे। लादूलाल पीतलिया ने अपनी नामांकन रैली में अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए पूरा दम लगाया। भाजपा प्रत्याशी डॉ. रतनलाल जाट के पक्ष में सोहस्ती वाटिका में सभा आयोजित की गई।
सभा में सभी मंडलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, जिला प्रमुख बरजी देवी बील, आसिंद के पूर्व विधायक रामलाल गुजर, सहाड़ा के पूर्व विधायक डॉक्टर बी आर चौधरी, सुवाना के भाजपा नेता चावंड सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी के पक्ष में मेला ग्राउंड में जनसभा आयोजित की गई। लगभग 5000 लोगों के लिए बनाए गए पांडाल में लगभग 4000 कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए। जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना, विधायक राम सिंह कसवा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह जाड़ावर, जितेंद्र सिंह, धीरज गुज्जर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। उधर आरएलपी उम्मीदवार बद्रीलाल जाट के चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा। वहीं युवा वाहन रैली निकालते हुए आरएलपी के नारे लगाते हुए दिखे। अभी 3 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इससे पहले निर्वाचन अधिकारी नामांकनों की जांच करेंगे। अगर कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तो ये तो थी खबर नामांकन रैली व चुनाव के आगाज की। अब बात करते हैं जनता की। आज गंगापुर आए सैकड़ों लोगों से डेली राजस्थान ने बात की। लोगों ने बताया कि उम्मीदवारों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। रैलियों व जनसभाओं में आए लोगों की संख्या के आधार पर लोगों ने कयास लगाया है कि सर्वाधिक शक्ति कांग्रेस प्रत्याशी ने दिखाई। इस कयास से डेली राजस्थान इत्तेफाक नहीं रखता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में राजस्थान के उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में मानी जा रही थी। प्रत्याशी सहित सूबे के बड़े कांग्रेस नेता भी इस सीट को कांग्रेस के खाते में मानकर चल रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मांगीलाल गराशिया की नामांकन रैली में आए लोगों की संख्या को देखकर भाजपा के प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं के पसीने छूट गए थे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो सब हतप्रभ थे। भाजपा के प्रताप लाल बील चुनाव जीते। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस नामांकन रैली को देख सकते हैं। डेली राजस्थान का निष्कर्ष ये है कि नामांकन रैलियों व जनसभाओं की संख्या को देखकर चुनाव परिणाम का आकलन कर पाना मुश्किल है। फिलहाल भाजपा से बागी होकर निर्दलीय ताल ठोक चुके लदूलाल पिछलिया भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। वहीं आरएलपी द्वारा बद्रीलाल जाट को चुनाव मैदान में उतारने से भी भाजपा को नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन राम मंदिर फैसले से भाजपा ने हिंदू वोट बैंक को कवर किया है। वही मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रहण करने के बहाने हर घर तक पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांवों में पेट बनाई है और इसका फायदा इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिल सकता है। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।